दोस्तों, अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए, समझ लेना, ध्यान से देखने की बात कह रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो दावा है मेरा, आज के बाद आप जो भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में ऐसा छप जाएगा, ऐसा रच बस जाएगा कि उसे आप चाह कर भी नहीं भुला सकते। जैसे एक आशिक चाह कर भी अपनी प्रेमिका को नहीं भुला पाता, ठीक वैसे ही आपको पढ़ाई याद होने लग जाएगी। बिल्कुल सीक्रेट फॉर्मूला है, कंप्लीट समझ लेना, प्रैक्टिकल है। अगर आधी अधूरी वीडियो देखी तो फिर कोई बात नहीं, और YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते रहना, देखते रहना, वही होगा जो आज तक होता आया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके साथ। आप लोगों को मोटिवेशन की आदत पड़ चुकी है, मोटिवेशनल वीडियो देखी आधे घंटे के लिए चार्ज हुए, पढ़ा कुछ समझ आया नहीं, भी लिखते हुए भूल जाते हैं। जड़ को समझिए, प्रॉब्लम कहाँ है, समझ क्यों नहीं आता, याद क्यों नहीं होता, भूलते क्यों हैं। खैर चलिए, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो आपका फायदा होगा, नहीं देखा तो आपकी मर्जी, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो ढूंढते रहना, देखते रहना, मेरा जो फर्ज है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि तीन प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, यानी तीन प्रकार से वो पढ़ाई करते हैं और वो भूल जाते हैं। पहले वो कि वो पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं और वो परीक्षा में लिखते हुए या किसी को सुनाते हुए दो दिन बाद उसे भूल जाते हैं। दूसरे वो जो याद करते हैं, प्रश्नों के उत्तर याद करते हैं और भूल जाते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो लिख लिख कर याद करते हैं और वो भी भूल जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और भूल जाते हैं। तो जब आपको ये समझ आ जाता है कि तीन तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, दूसरे वो जो याद करते हैं, जोर लगाकर रटते हैं, रटने के बावजूद भी वो भूल जाते हैं परीक्षा में लिखते हुए, और तीसरे वो जो प्रश्नों का उत्तर लिख लिख कर याद करते हैं। अक्सर स्कूल में टीचर ये समझाते हैं कि लिख लिख कर याद करो तो भूलोगे नहीं, और बच्चे लिख लिख कर याद करते हैं, उन्हें उस टाइम तो लगता है याद हो गया और याद हो भी जाता है, लेकिन परीक्षा में लिखते हुए भूल जाते हैं, दो लाइन लिखी तीसरी समझ नहीं आती क्या लिखा था। दोस्तों, आप तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से पढ़ाई करते हो, आप जब परीक्षा में लिखने बैठते हैं तो आपके दिमाग को ये लगता है, दिमाग के अंदर ये उलझन बनी रहती है कि कुछ तो था, पढ़ा तो था, धुंधली इमेज रहती है, लेकिन समझ नहीं आता क्या था, क्या लिख दें। इसका मतलब एक काम तो आप सही से करते हैं, अपने दिमाग में डाटा सेव कर देते हैं, लेकिन वो सेव करने का तरीका गलत है, वो ऐसे किसी फोल्डर में चला जाता है जिसका पासवर्ड आपको नहीं पता। उदाहरण से समझिए, प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप किसी नए पर्सन से मिले जिसे आप जानते नहीं हैं, और उसने आपको अपना मोबाइल नंबर बताया, आपने याद कर लिया, दो बार तीन बार रिपीट कर लिया, आपको लगता है उस टाइम की याद हो गया, और उस टाइम आपको याद होता है, लेकिन दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद आपने देखा होगा, एक दो दिन बाद अगर कोई वही नंबर पूछता है तो आप भूल जाते हैं, आप वो नंबर नहीं बता पाते। और आप सोचिए, अगर वही नंबर आपसे दिन में पांच बार किसी ने पूछ लिया होता, या पांच बार आपने किसी को बताया होता, अगले दिन फिर आपने दो तीन बार किसी को बताया होता, तो आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। आप अपना नंबर नहीं भूलते, क्योंकि वो नंबर आप बार बार किसी ना किसी को बताते रहते हैं। अब यहाँ एक गलती मत कर देना, जल्दबाजी मत करना। आपको लग रहा होगा कि रिपीट करने की वजह से याद होता है, बहुत से लोगों को मैंने बोलते सुना है कि रिपीट करने की वजह से चीज़ें याद हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। रिपीट करने की वजह से आदत पड़ती है, ना कि याददाश्त बढ़ती है। रिपीट करने की वजह से चीज़ें याद नहीं होती। बहुत से लोगों को मैंने यही कहते सुना है कि बार बार दोहराओ और आपको वो याद हो जाएगा। दोहराने से याद नहीं होता, दोहराने से वो चीज़ आपकी आदत बन जाती है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। आपको नंबर याद हो जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके से पढ़ते हो, आपको पढ़ाई में सिर्फ दो तरीके शामिल करने हैं। पहला तरीका ये शामिल करना है कि आप जब पढ़े तो आपके मन में ये समझ होनी चाहिए, आपके दिमाग को ये संदेश जाना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज मीन्स किसी को समझाना है, किसी को बताना है, किसी को बताने के लिए पढ़ रहे हैं। टीचर को चीज़ क्यों याद हो जाती है? टीचर इसलिए एक बार में पढ़कर याद कर लेता है, उसे समझ आ जाती है, क्योंकि उसे दिमाग में ये पता होता है कि जाके बच्चों को समझाना है, उसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए वो एक बार में चीज़ को पढ़कर समझ लेता है। ठीक यही माइंडसेट आपका होना चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जाकर किसी को समझाना है। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि जो सामने वाला विपक्ष में वकील होगा उसको अपनी दलीलों से हराना है, अपनी नॉलेज से हराना है। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप IAS ऑफिसर हैं, आपको ये साबित करके दिखाना है। किसे साबित करके दिखाना है?
जो आपका इंटरव्यू लेंगे उसे साबित करके दिखाना है। खैर ये तो हुई दूर की बात, आपको जो सिलेबस पढ़ना है उसे भी टीचर के माइंडसेट से पढ़ना है। मेन मुद्दा ये है कि जब आपका माइंडसेट टीचर का होगा तो आप उसे समझ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप पढ़ लें तो आप किसी को वो चीज़ समझाएं। आपने पहले तरीके में जो अपने दिमाग को समझाया कि किसी को समझाना है, उस उद्देश्य से आपने पढ़ा है, तो किसी को समझाना ज़रूरी है और वो आप समझाएं। किसी को भी समझा सकते हैं, आप अपने से छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, ट्यूशन जो पढ़ाते हैं आप ट्यूशन पढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप नहीं ट्यूशन पढ़ाना चाहते, घर में छोटे भाई बहन हैं उन्हें समझा दीजिए। ग्रुप स्टडी क्यों काम करती है, वो इसी मनोविज्ञान पर आधारित है। ग्रुप स्टडी में लगता है एक दूसरे को, खुद को लगता है कि उससे ज़्यादा मुझे पता होना चाहिए, मैं उसे समझा सकूं। ग्रुप में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लोग पढ़ते रहते हैं, इसलिए ग्रुप स्टडी इसी मनोविज्ञान पर आधारित है और ऐसे ही काम करती है। तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को समझा सकते हैं, और जो भी आपने पढ़ा है उसे एक बार समझा कर छोड़ नहीं देना। जब भी आपको मौका मिले किसी को समझाने का, किसी को बताने का, उस नॉलेज को बांटने का, तो उसे बांटिए। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो यही आधार है कहने का। तो आप किसी को समझाइए, जब भी मौका मिले उस चीज़ को समझा दीजिए। यकीन मानिए, अगर आप इन दो तरीकों को अपना लेते हैं तो आप पढ़ा हुआ कभी भूल नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता भूलने का। अब आपको मोबाइल नंबर के बारे में बताता हूँ। मोबाइल नंबर आपको इसीलिए याद हो जाता है क्योंकि वो आप याद करते हैं किसी को बताने के लिए, कि कहीं ज़रूरत पड़ी तो मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, किसी अदर पर्सन को बताने के लिए याद करते हैं, इसलिए वो आपको याद हो जाता है। और फिक्स याद कैसे और परमानेंट कैसे याद होता है, क्योंकि वो आप कई बार किसी को बता चुके होते हैं, हर बार किसी ना किसी को बताते हैं। अब आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल नंबर कहाँ कहाँ बताना पड़ता है, आपको पता है मोबाइल नंबर बहुत बार आप बताते हैं दूसरों को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने दिमाग की समझने की पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, रामजी मिश्रा नाम है हमारा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जब घंटी का बटन दबाएंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, तो सबसे ऊपर ऑल नोटिफिकेशन होता है उसे ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।